नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जस्टिस रंजन गोगोई ने देश के 46वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। 17 नवंबर 2019 तक उनका कार्यकाल होगा। चीफ जस्टिस गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे रंजन गोगोई के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा देश का चीफ जस्टिस बन सकता है। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के लिए उनके पिता केशव चंद्र गोगोई ने एक भविष्यवाणी की थी, जिसका जिक्र हाल ही में रिलीज हुई एक किताब गुवाहाटी हाई कोर्ट इतिहास और विरासत में मिलता है। किताब के मुताबिक गोगोई के पिता से उनके एक दोस्त ने पूछा था कि क्या उनका बेटा भी उनकी तरह राजनीति में आएगा। इस पर केशव चंद्र गोगोई ने जवाब दिया कि वो एक शानदार वकील है और उसके अंदर देश का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता है। बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई असम के रहने वाले हैं। उनके पिता केसी गोगोई 1982 में डिब्रूगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे। जस्टिस रंजन गोगोई ने असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सांसदों और विधायकों की विशेष तौर पर सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन, राजीव गांधी हत्याकांड के मुजरिमों की उम्र कैद की सजा में कमी, लोकपाल की नियुक्ति समेत कई बड़े विषयों पर अहम फैसले दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस गोगोई 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाईकोर्ट में जज बने थे। इसके बाद 12 फरवरी 2011 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्हें अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। शीर्ष अदालत में जस्टिस गोगोई असम के एनआरसी, सरकारी विज्ञापनों के लिए निर्देश, लोकपाल लोकायुक्तों की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों की सुनवाई से जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।